साथियों, इस कंपनी का देख रहे हैं ना, पीछे का गेट है और कंपनी छोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है ये दोस्तों, आपको दिखा सकते हैं। यही कंपनी है और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था वो प्रेसिजन स्टैम्पिंग सेकंड, देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी कंपनी है वो। हाय फ्रेंड, आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कंपनी जो पढ़े लिखे हैं, CNC के ऑपरेटर हैं, BMC के ऑपरेटर हैं, क्वालिटी का काम जानते हैं और भी बहुत सारी उसमें मशीनें हैं। तो मैं ज़्यादा इस ब्लॉग को लंबा नहीं करूँगा दोस्तों, आप इस ब्लॉग को ध्यान से देखिए और एड्रेस के साथ मैं बताऊँगा उस कंपनी का क्या नाम है और अपने डिस्क्रिप्शन में उस कंपनी का जो भी है एड्रेस मैं ऐड कर दूँगा। आपको अगर आना होगा, करना होगा तो आप ज़रूर आइएगा, ट्राई कीजिएगा उस कंपनी में, पेमेंट बहुत अच्छा उसमें मिलता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि हम भी एक CNC और BMC और VTL के ऑपरेटर हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और CNC, BMC, VTL और भी बहुत सारी मशीनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो जो कंपनी है वो पढ़े लिखों को ITI ITI डिप्लोमा जो करके आते हैं उनके लिए है ये कंपनी। और क्वालिटी का तो काम जानते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो बता रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया ऐसा है कि एक CNC मशीन होती है जो मेट्रो का, ट्रेन का और भी ट्रैक्टर का, JCB का, उसमें पार्ट बनता है, बहुत क्रिटिकल काम है और मैं भी वही काम करता हूँ। मैं एक ऑपरेटर हूँ, मैं आज 10 सालों से CNC का ऑपरेटर हूँ। तो साथियों, मैं उस कंपनी के बारे में मैं कुछ बताऊँगा, सबसे पहले उस कंपनी को दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। जाता हूँ उस कंपनी के पास और ब्लॉग बना के आप सभी को दिखाता हूँ। तो आगे भी इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ भी देख रहे हैं ना, ये सब रोड है, ये मेन रोड है और इसी रोड पे पड़ता है। और आपको बताना चाहते हैं कि ये 25 सेक्टर हरियाणा की कंपनी का रोड है ये। तो बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन सिर्फ यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। अगर वहाँ अगर आप किसी दिन कहेंगे तो उसका भी ब्लॉग मैं बनाकर दिखा दूंगा कि कैसे आना है। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली से यहाँ आने में आपको अगर मेट्रो से आएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा और ट्रेन से अगर आते हैं तो सिर्फ 1 घंटा करीब 10-15 मिनट लगता है आने में। आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आना और नौकरी करना बहुत आसान है, रूम और सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो बगल में आप देख सकते हैं कि एक और कंपनी है, डिवीज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर जो है 59A 20 सेक्टर 25 फरीदाबाद। तो रास्ते में आप देख सकते हैं कि वेबटेक इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, इस कंपनी में बहुत साल पहले मैंने ड्यूटी भी किया है। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सामने जो कंपनी वेबटेक इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही है, इस कंपनी में बहुत साल पहले, यानी ये लगा लीजिए कि 7-8 साल पहले मैं इस कंपनी में ड्यूटी किया था। उस टाइम एकदम मैं हेल्पर था। साथियों, 6-7 साल नहीं, ये लगा लीजिए ना कि मेरे को यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हुए कम से कम 12-13 साल हो गए। और शुरुआत में यानी 12-13 साल पहले मैंने काम किया था, वो तो मैंने सिर्फ बोल दिया था क्योंकि मैं 8-10 सालों से तो मैं CNC का ही काम कर रहा हूँ। अभी मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ दोस्तों और मैं आप सभी लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है भाई, अपने इस वर्कर भाई को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा अपना मोहब्बत और आशीर्वाद बनाकर रखें इस भाई पर। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा अपने चैनल पे मैं ब्लॉग बनाऊंगा और दिखाऊंगा। तो देर ना करते हुए आपको उस कंपनी को दिखाते हैं जो कंपनी की मैं बात कर रहा था। तो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कंपनी प्रेसिजन स्टैम्पिंग यूनिट सेकेंड दिखाई दे रही है, इसके थोड़ा सा आगे वो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है PP रोलिंग और इस कंपनी का प्लॉट नंबर है जो 71 सेक्टर 25 फरीदाबाद। और आपको इसी कंपनी का ध्यान देना है क्योंकि ये भी कंपनी बड़ी है और वो आगे कंपनी है। तो आप बने रहें क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा एकदम एड्रेस अच्छे से बताता हूं ताकि आप यहां पे एकदम पहुंच सके और वीडियो को अच्छे से देखें। अगर कभी भी आप आते हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस कंपनी का नाम है प्रेसिजन स्टैम्पिंग यूनिट सेकेंड। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हेल्पर हैं तो इस वाली कंपनी में भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी में क्वालिटी इन्फेक्शन और CNC ऑपरेटर, VTL, BMC बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन काम करते हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़ भी करते हैं दोस्तों, लेकिन उन भाइयों के लिए है जो CNC ऑपरेटर हैं, BMC ऑपरेटर हैं, अगर आप हेल्पर हैं तो ट्राई कर सकते हैं। अगल बगल में ही दोनों कंपनी हैं, आपको दोनों कंपनी का लाभ मिल सकता है। तो बने रहें, बस थोड़ी देर अब कंपनी है, अब दिखाते हैं।
आपको बताना चाहते हैं कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था यही कंपनी है पीपी रोलिंग मिस एमएफजी कॉरपोरेट। दोस्तों इस कंपनी का जो प्लॉट नंबर है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, तब तक यहीं पे पानी है, पानी पी लेते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का जो प्लॉट नंबर है 70 सेक्टर 25 फरीदाबाद, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है दोस्तों, इसलिए मैं पास नहीं जा सकता और समझ सकते हैं। और वो जो कंपनी है आप कंपनी इधर से भी दिखा सकते हैं, आपको देख रहे हैं ना ये, दोस्तों आपको दिखा सकते हैं यही कंपनी है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था वो प्रसिजन स्टैम्पिंग सेकंड, देख रहे हैं ना इतनी बड़ी कंपनी है वो। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया सही से, लेकिन मैं इधर से पीछे से दिखा रहा हूँ इसका, इधर से देख रहे हैं ना इतनी बड़ी कंपनी है, और बहुत बड़ी कंपनी है ये, छोटी मोटी कंपनी नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम हमें वहाँ गेट पे वैकेंसी लिखा हुआ था सीएनसी ऑपरेटर, बीएमसी ऑपरेटर, और इस कंपनी में अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो इसका पीछे का गेट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इधर आगे का गेट है और इधर पीछे का गेट है, तो मैं पीछे का ही गेट दिखाता हूँ। और देख रहे हैं इधर आगे देखो काम होता है ना, देख रहे हैं ना ये दोस्तों, देखिए इसका, इसके पीछे का गेट है। और थोड़ा सा मैं एकदम पास जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो आपको दिखाना चाहते हैं अंदर थोड़ा सा, देख सकते हैं, देख रहे हैं ना साथियों, यहाँ पे काम बहुत कंपनी अच्छी है साथियों। इस कंपनी का देख रहे हैं ना पीछे का गेट है, और कंपनी छोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है ये। तो इस कंपनी का जो प्लॉट नंबर है वो 70 है और सेक्टर 25 हरियाणा में आता है, और इस कंपनी का नाम है पीपी रोलिंग। आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं, अगर सीएनसी बीएमसी के अगर ऑपरेटर है तो ट्राई करें, यहाँ पे अच्छा पेमेंट मिल सकता है आपको, आपके ऊपर नॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। कोई नहीं दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।